तो दोस्तों पिछले लेक्चर दे विच आपां बहुपदियां बारे गल कीती सी, बाकी थ्योरम दी गल कीती सी, गुणनखंड थ्योरम दी गल कीती सी। इस लेक्चर दे विच सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुपदियां दे गुणनखंडीकरण दी गल करनी है। गुणनखंडीकरण फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। किते ना किते इस टॉपिक दे विच दोस्तों बहुत समस्या है सारे नू। मैं कोशिश करूँगा जिन्ना एलैबोरेट कर सकता। आपां गल कर रहे हैं इस लैक्चर च दो घाती बहुपद दी, क्वाड्रैटिक पॉलीनोमियल दे गुणनखंड करन दी। तां इत्थे की करदे आ, इहदा एक तरीका हुंदा दोस्तों। तरीका की है, मध्य बिंदु नू, सॉरी मध्य पद नू, मिडल टर्म तोड़ के। हुण इहदा मतलब की है, तोड़ना मतलब आ तोड़ना नहीं हुंदा, वो अपनी आम जिंदगी च हुंदा है। उहदा मतलब की हुंदा है, मैं एक उदाहरण ले रहा। उदाहरण एक्स दी दो प्लस पांच एक्स प्लस छे है ना। आ विचकारली रकम है एक्स दी, एक्स वाली, एक्स का घात एक वाली विचकारली। का मतलब देखो ये नहीं है उरे छे आ गया। अगर इन एक प्रॉपर ऑर्डर च लिखांगे, घातों को घटते क्रम च लिखांगे, जिहड़ी एक्स वाली रकम है वह विचाले आऊगी, इत्थे आऊगी। तो उसकी गल कर रहे हैं मिडल टर्म की। इहनूं तोड़न का मतलब की है कि आपां नूं दो संख्यावां इहो जिहियां चाहीदियां, दो संख्यावां अजिहियां चाहीदियां जिन्हां दा जोड़ आ होवे। मतलब आपां इहनूं दो संख्यावां च तोड़ना है, अलग अलग करना है, जिन्हां दा जोड़ यह होवे अते गुणनफल यह होवे। तां अपना टारगेट इस ते है। इस दे विच काफ़ी तरह के, अठ तरह के क्वेश्चन है। बेसिकली दो टाइप्स ने, दो टाइप्स या फर्दर चार टाइप्स ने। तो अपने को इस तरह के अठ तरह के क्वेश्चन है जिस से आप गल करनी है कि विचकारली रकम नू तोड़ना है, दो संख्यावां जोड़ आ बने, गुणनफल आ बने, वह आपां किवें गल करनी है। तो आप वन बाय वन गल करते हैं। इसते सब तो पहला मैं गल कर रहा पहले पार्ट की, जदों एक्स दी दो दा गुणाक एक है, जिवें हुण कही सी। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन यही रिपीट कर रहा मैं, पहली टाइप यह है, इत्थे गुणाक एक चाहिए है ना। तो हुण आपां नूं की चाहिए, दो संख्यावां निशान समेत, मैं गोल चक्कर दे विच निशान लै रहा, जिन्हां दा जोड़ बचकारली रकम होवे ते गुणनफल आ रकम होवे। इस तो पहले आप एक छोटी जी गल करते हैं, पंजवीं छेवीं क्लास की करिए। मैनू दो संख्यावां दी गुणा प्लस चाहिए है, प्लस चाहिए। तो की होगा, या तो दोनों प्लस दियां होणगियां या दोनों माइनस दियां है ना। प्लस टू प्लस ना गुणा की प्लस, माइनस टू माइनस ना गुणा की प्लस, ठीक, क्योंकि यदि लोड पैनी है आपां नूं। आपां नूं दो संख्यावां दी गुणा माइनस चाहिए है दोस्तों। फिर की हो सकता है, एक प्लस दी होगी माइनस दी, या पहली माइनस दी हो सकती है दूजी प्लस दी है ना। क्वेश्चन अपना शुरू होंदा इत्थों गुणनफल तो। आपां नूं गुणनफल छे चाहिए, प्लस छे चाहिए है ना। तो यह मतलब जोड़े गुणनखंड होंगे या तो दोनों प्लस दे होंगे या दोनों माइनस दे होंगे। तो पहला छे दे गुणनखंड बनाओ, जोड़ तो नहीं इतों शुरू करा। छे केड़े दे, दो पहाड़े का छे बनता है, एक छिकम छे, दो तिया छे, इदू बाद रिपीट हो जू, तीन दूना छे, वह दोबारा आ गया छे कम छे। पहला कम किया देखो, मैंने छे दे गुणनखंड बनाए, हुण उरे प्लस चाहिए, या तो दोनों प्लस होंगे या दोने माइनस होंगे। आपां गुणा प्लस चाहिए है ना, या तो दोनों संख्यावां प्लस दियां होणगियां तां प्लस आऊ, या दोनों संख्यावां कादियां होणगियां दोस्तों माइनस दियां होणगियां तां प्लस आऊगा, ठीक हो गया। संख्यावां मिल गई, चार जोड़े मिल गए। हुण इन्हां चारां दे विच्चों एक जोड़े का जोड़ पंज है, चैक करो। छे ते एक सत्त, ये नहीं हैगा,
दो ते तीन प्लस पांच, तो यह मतलब संख्यावां हो गई प्लस दो प्लस तीन, तो आप संख्यावां मिल गई। तो फिर आप पांच एक्स तोड़ता, थोड़ी मिडल का कमी है, दो एक्स प्लस तीन एक्स, अगर सौखा करना इनू आ भी लिख सकते हो दो गुना तीन, क्योंकि आप ही लिखे ना हूँ पहले दो दे यह गुणनखंड बनानी, आप एट्थ क्लास कर चुके हैं, मैं दोबारा गल कर रहा। पहले दो च देखो एक्स की दो घात है, उरे एक घात है, एक घात बार दो दे एक बार कढ़ी, एक बच गया, आह एक्स बार कढ़ती पिछे किन्ना बच गया प्लस दो। इधर देखो दोस्तों केड़ी रकम सांझी पई है, तीन प्लस का तीन, पिछे की बचिया एक्स प्लस दो, तो एक जोड़ा आ बन गया, एक जोड़ा आ बन गया, दोहां दे विच फिर एक सांझा है एक्स प्लस दो, पिछे की बचिया एक एक्स, तो ये गुणनखंड की आ गए एक्स प्लस तीन। होर उदाहरण लैके चलते हैं, इन्ना का कॉन्सैप्ट है, फिलहाल मैं सिर्फ एको चीज़ से फोकस कर रहा जिथे गुना अपनी की है प्लस है। होर उदाहरण लै रहे हैं, आप एक्स की दो प्लस नौ एक्स प्लस बी है ना, जोड़ आप चाहिए प्लस नौ, गुणनफल की चाहिए दो संख्यावां दा प्लस वी, यही चाहिए ना। पहला वी दे गुणनखंड बनाने, वी एकम वी, दो दहा वी, पांच चौका वी, फिर अगे सेम रिपीट होने लग जाएंगे। हुण आपां नूं गुणा प्लस दी चाहिए है, तो या तो दोने प्लस होणगे या दोने की होणगे माइनस होणगे, है ना, माइनस होणगे ना, आ हो गया गुणनखंड मिल गए। हुण दोस्तों जोड़ नौ चाहिए है, कित्थे पिया नौ, एक ते भी इक्की, दो ते दस बारह, चार ते पंज नौ, तो अपने कोल की आ गया प्लस चार प्लस पंज, बचकारली रकम तोड़ती प्लस चार एक्स प्लस पंज एक्स प्लस वी, इन्हां दोहां दे विच्चों एक्स सांझा कढ़िया, क्यों, क्योंकि उरे दो घात है, उरे एक घात, छोटी घात बाहर निकलती हुंदी है, एक घात दो दे विच्चों एक बार कढ़ी, एक बचिया एक्स का एक्स बार, चार बचिया। देखो सीधा वी लिखोगे तो सोचना पवेगा, मैं ताही लिखा इत्थे, सौखा बनाना दो संख्यावां जिहड़ियां लिखियां है वह लिख दो। हुण देखो किहड़ा सौखा हो गया, इत्थे पता लग रहा ना आपां नूं कि आप प्लस पंज सांझा कढ़ना है, तो पहली चो कढ़िया पिछे एक्स, दूजी चो पंज बार कढ़िया पिछे चार, एक जोड़ा आ रहा, एक जोड़ा आ रहा, एक्स प्लस चार सांझा निकल गया। हुण पहली रकम दे विचों एक्स प्लस चार कढ़िया एक्स, दूजी रकम चो कढ़िया पंज, तो दोस्तों ये हो गया अपने कोल गुणनखंड का सिस्टम। तो इस तरीके नाल आपां अगे चलांगे, अब नेक्स्ट मूव पे चलते हैं। हुण आपां की करना है दोस्तों, फर्क मैं एक हुण माइनस दा लिया रहा, विच कॉन्सेप्ट तो ही है कि आपां नूं जो गुणा वो प्लस दी चाहिए है। उदाहरण नंबर तीन, एक्स दी दो माइनस सत्त एक्स प्लस बारह, चौथा एक्स दी दो माइनस ग्यारह एक्स प्लस तीह। हुण इत्थे देखो जो आपां नूं जोड़ चाहिए है वह माइनस का चाहिए, जो गुणा चाहिए है वह प्लस की चाहिए। गुणनखंड बनाओ, एक गुना बारह, दो छिके बारह, तीन चौके बारह, सही है, यह हो गया प्लस का, दोनों प्लस की गुना। हुण दो माइनसा की गुना भी यही आनी है, पैरल आपां लिख लिया। देखो सीधा दा इत्थे तुसीं होर चीज़ देख सकते हो, पिछले दे विच जिहड़ा जोड़ चाहिए सी आपां नूं प्लस का चाहिए सी, तां आपां प्लस वाले चैक किए, सीधी जी गल, इत्थे आपां नूं की चाहिए माइनस वाला, तो माइनस वाले चैक करो, जरूरत नहीं आपां नूं फालतू अगले चैक करन दी। उत्थे देखो दोस्तों पिछले दोनों पार्ट्स जोड़ अपना प्लस का सी, तां आपां सीधे प्लस वाले चैक कर ले, हुण आपां नूं जोड़ की चाहिए माइनस वाला चाहिए, तो आपां सीधे माइनस वाले चैक करांगे, तो किहदा जोड़ माइनस सत्त आ रहा है, इहदा माइनस तेरह, इत्थे माइनस अठ आ गया, इन्हों का जोड़ा जोड़ है की है माइनस सत्त, तो देखो की बनया माइनस तीन एक्स माइनस चार एक्स, तो बारह माइनस तीन गुना माइनस चार,
की सांझा कढ़िया एक्स की एक घात दो घात के विचों एक घात बार एक्स बच गई एक्स बार तीन बच गया हुण इत्थे देखो ध्यान नाल आ पूरी दी पूरी रकम सांझी पई है आ फायदा है इहनूं दोहां पासे गुणा लिखण दा माइनस चार पिछे की बचा एक्स प्लस माइनस माइनस तीन हुण इस जोड़े ते इस जोड़े दे विचों एक्स माइनस तीन बार कढ़िया पिछे एक एक्स बच गया एक माइनस चार तो इहदे गुणनखंड बनाए की बन गए एक्स माइनस तीन एक्स माइनस चार हुण आपां एक एग्जाम्पल होर लै रहे हां इहदी जोड़ आ गया माइनस ग्यारह गुना आ गई प्लस ती है ना ती दे गुणनखंड बनाओ एक गुना ती पांच गुना छे होर कोई बनते हैं एक तीन गुना दस देखो मैं भुल गया सी कोई गल नहीं तीन गुना दस हुण आपां नूं जोड़ चाहिए दोस्तों तो की करांगे दोनों माइनस के निशान भी हो जाएंगे एक आ हो गया एक आ हो गया एक आ हो गया जोड़ माइनस ग्यारह चाहिए तो माइनस आले पासे जाओ इधर लोड़ नहीं किन्ना दा जोड़ माइनस ग्यारह है इन्ना दा एक्स दी दो माइनस पांच एक्स माइनस छे एक्स प्लस माइनस पांच गुना माइनस छे केड़ी कात बार निकल गई एक्स दी एक दो दे विचो एक बार एक बच गया एक्स बार कढ़िया इन्ना दोहां च देखो चैक करो माइनस छे बार एक्स प्लस माइनस माइनस आह एक रकम सांझी आऊगी आऊगी अगर नहीं आ रही ना या तो तुहाडे गुणनखंड गलत है या तुसी सांझा गलत कढ रहे हो एक गल याद रखियो एक्स माइनस पांच सांझा पिछे की बचा एक्स ते की बच गया अपने कोले माइनस छे तो यह आप उदाहरण लई सी जिथे अपना जिहड़ा गुणनफल है वह कादा है प्लस द हुण आपां की गल कर रहे हैं जिथे गुणनफल की है अपना माइनस का देखो टाइप्स अगे दी अगे वधदियां जा रही ने हुण आपां गल करांगे जदों गुणा आपां नूं माइनस दे चाहीदी है तां माइनस दे की सीन हुंदे आ पहली रकम माइनस दूजी प्लस दोहां दे गुणा करांगे माइनस आऊ या पहली प्लस दूजी माइनस इन्हां दोहां दे गुणा करांगे की आऊ माइनस आऊ आपां उदाहरण लैके चलदे आ एक उदाहरण एक्स दी दो माइनस तीन एक्स माइनस दस वापस प्लस तो शुरू कर दिया प्लस तीन एक्स माइनस दस जोड़ किन्ना चाहिए प्लस तीन गुना किन्नी चाहिए है माइनस दस पहला गुना दी गुणन खंड एक दी दस नाल गुना कीती दो दी पांच नाल कीती हुण की फर्क पै गया आपां नूं गुना माइनस की चाहिए है माइनस की गुना कदों होगी एक माइनस का होगा एक प्लस का पर कि आपां नूं नहीं पता तो आपां ऑर्डर बनावांगे एक बारी आ ले लिया दूजी बार आ ले लिया एक बारी दो ले लिया दूसरी बार दो ले लिया सही है हुण किन्ना दा जोड़ प्लस तीन है प्लस तीन आ देखो इन्ना दा क्योंकि इहदा जोड़ करांगे वड्डी रकम माइनस दी है तो माइनस होगा तो अपने कोल केड़ियां संख्यावां हो गईआं माइनस दो ते प्लस पांच तो विचकारली रकम तोड़ती माइनस दो एक्स प्लस पांच एक्स ते दस नूं किवें लिखांगे आपां माइनस दो गुना पांच है ना इन्हां दोहां दे विचों उरे एक घात है एक्स दी एक घात सांझी कढ़ी एक्स दी एक माइनस दो देखो की सांझा आ गया प्लस पांच एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो फिर सांझा आ गया देखो पिछे की बचा एक्स प्लस पांच तो यह हो गया अपने गुणनखंड आपां होर उदाहरण ते चलते हाँ एक्स दी दो आ बड़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों माइनस एक्स माइनस छे हुण बचाले कोई भी निशान नहीं हैगा कोई भी रकम नहीं हैगी संख्या नहीं हैगी तो आपां उत्थे की लैके चलते हैं माइनस एक तो दो संख्यावां दा जोड़ माइनस एक चाहिए है तो गुना माइनस छे चाहिए है छे दे आपां गुणनखंड बनाए एक दी छे नाल कीती दो दी तीन नाल परंतु आपां नूं ये माइनस दा चाहिए है तो इहदा मतलब एक माइनस दी होगी एक प्लस दी जे आ माइनस दी होगी
तो दूसरे केस दे विच आह माइनस हो, जे हुण इत्थे आह माइनस दी होगी तो एक होर केस लेना पऊगा जिथे आह माइनस दी हो। आपां नूं जोड़ दोस्तों माइनस एक चाहिए है, सीधी जी गल सोच के देखो ए माइनस कदों आऊगा, इत्थे आपां नूं प्लस चाहिए सी, ठीक है। हुण मैं देखो टैक्ट दस रहा, उत्थे आपां गल कीती सी पिछले च प्लस, तो आप जे जोड़ प्लस का चाहिए तो आप प्लस वाले चैक कर दे, जोड़ माइनस का सी माइनस का। हुण इत्थे देखो प्लस तीन तो वड्डी रकम प्लस दी, माइनस वड्डी रकम माइनस दी, पहला तो देखो एक किहदा बन रहा इन्हों दोहां दा, तो कि वड्डी रकम है इधर आ गई है, देखो तीन इधर पे तो इधर की आ गई है वड्डी रकम, तो यह कादी होगी माइनस की, तो गुणनखंड की बन गए दो प्लस का तीन माइनस का, तो छे का बन गया माइनस दो तिया छे। एक्स सांझा पिछे बचा एक्स प्लस दो, माइनस तीन सांझा पिछे बचा एक्स प्लस दो, तो टोटल की हो गया एक्स प्लस दो सांझा अपने कोल आ गया एक्स माइनस तीन। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन है गुणनखंड दे विच जो करने हैं, टाइम जरूर लगता इन्हां ते, पर थोड़ा जा ध्यान सिस्टमैटिकली करांगे बड़े आसानी नाल हो जाते हैं। होर देखो आ गया एक्स दी दो माइनस तीन एक्स माइनस अठाई, जोड़ चाहिए माइनस तीन, गुना चाहिए माइनस अठाई, है ना, गुणनखंड बनाओ अठाई दो चौदह अठाई चार सात अठाई। इधर आप छोटिया ले लिया माइनस दिया क्योंकि आप माइनस चाहिए, इधर आप वड्डिया ले लिया, देखो सिस्टम किवें लिख रहा मैं, इधर माइनस ठीक है माइनस चाहिए है, तो जिधर वड्डी रकम माइनस की है, वड्डी रकम माइनस की किधर पई है, इधर पई है अपने कोले, इधर पई है ना, तो यह मतलब इतने पिया हो कि जोड़ माइनस तीन है, यदा सिस्टम आ ही चल रहा अपना एक्स की दो प्लस चार एक्स माइनस सत्त एक्स माइनस चार गुना सत्त, एक्स सांझा एक्स प्लस चार माइनस सत्त सांझा एक्स प्लस चार, क्यों, क्योंकि जो तो माइनस माइनस बाहर कटिया इतने निशान बदलिया जाऊगा, इस गल का बहुत ध्यान रखियो, इतने उत्थे भी यही चीज़ की आप एक्स प्लस चार एक्स माइनस सत्त, है ना। मैं एक उदाहरण होर ले रहा इसकी थोड़ा होर क्लीयर कर रहा इसनों, आ गया इक्की आ गया। हुण आपां नूं जोड़ किन्ना चाहिए माइनस चार गुना माइनस इक्की, इक्की दे गुणनखंड एक गुना इक्की तीन गुना सत्त, क्योंकि माइनस चाहिए इधर मैं छोटिया संख्यावां माइनस लैना, इधर आपां वड्डियां ले लिया, है ना, आ माइनस की रकम चाहिए है तो इहदा मतलब वड्डी रकम माइनस की होगी, तो अपना आंसर इधरले पासे पिया होगा, इधर नहीं होना, माइनस चार जोड़ किहदा पिया इसका पिया एक्स की दो प्लस तीन एक्स माइनस सत्त एक्स माइनस तीन गुना सत्त, एक्स सांझा एक्स प्लस तीन माइनस सत्त सांझा, इतने निशान बदलना है क्यों, क्योंकि उत्थे आपां माइनस सांझा कढ़िया, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जदों आपां माइनस सांझा कढ़दे हां अंदरले निशान बदल जाते हैं एक्स प्लस तीन, तो यह हो गया अपने को पहला पार्ट जिथे एक्स की दो का जोड़ा गुणांक है वह की है एक है। हुण मैं एग्जाम्पल ले रहा जिथे एक्स की दो का गुणांक कोई सं एक तो बिना दूसरा पार्ट, उदाहरण के तौर पर दो एक्स की दो माइनस एक्स माइनस तीन। हुण इस टाइप के क्वेश्चन से दोस्तों आप गल करते हैं, हुण आप अगले पार्ट से गल करते हैं, इत्थे थोड़ा जिहा चेंज की पै गया दोस्तों, इहदा पिछले क्वेश्चन दे विच जो आप एग्जाम्पल लिए पांच सात उत्थे एक हुंदा सी या कुछ भी नहीं हुंदा सी, इत्थे उरे कोई भी संख्या नहीं हैगी एक, तो जोड़ की चाहिए माइनस एक, हुण गुणा की चाहिए है, उस तों पहलां आपां आ लैंदे सी ना, इन्हां दोहां दी गुणा करांगे दो गुणा माइनस तीन, बस आ फर्क, क्योंकि उत्थे पता की हुंदा सी, देखो मैं एक उदाहरण लैके चल रहा, मान लो मैं आ लिख रहा, तो उत्थे आप डायरैक्ट चार लिखते सी, कारण क्योंकि एक हुंदा सी एक नूं चार नाल गुणा करांगे चार आंदा सी, इस करके आप जिक्र नहीं किया, इत्थे आप जिक्र करांगे
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਛੇ, ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਛੇ, ਦੋ ਗੁਣਾ ਤਿੰਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਜੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਐਕਸ ਦੀ ਦੋ ਪਲੱਸ ਦੋ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਧਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਆ ਸੰਖਿਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਰੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤਿੰਨ ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੋ ਤੀਆ ਤਾਂ ਛੇ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਿੰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਦੋ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਂਝਾ। ਐਕਸ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ, ਐਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ। ਦੋ ਬਾਰ ਐਕਸ ਦੋ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਕੇ। ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਐਕਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲੋ, ਪਲੱਸ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇੱਕ। ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਦੋ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ, ਦੋ ਐਕਸ ਦੀ ਦੋ ਪਲੱਸ ਗਿਆਰਾਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਪੰਦਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋੜ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਗਿਆਰਾਂ, ਗੁਣਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਪੰਦਰਾਂ ਤੀਹ, ਪਲੱਸ ਤੀਹ, ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਤੀਹ, ਦੋ ਗੁਣਾ ਪੰਦਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦਸ, ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਿਆਰਾਂ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ ਗਿਆਰਾਂ। ਦੋ ਐਕਸ ਦੀ ਦੋ ਪਲੱਸ ਪੰਜ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਛੇ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਪੰਦਰਾਂ। ਦੋ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ, ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਦੋ ਓਵੇਂ ਦਾ ਓਵੇਂ, ਦੋ ਘਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਾਤ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਈ। ਪੰਜ ਓਵੇਂ ਦਾ ਓਵੇਂ, ਇੱਕ ਘਾਤ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਛੇ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਰ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤਿੰਨ ਦੂਣਾ ਛੇ, ਐਕਸ ਓਵੇਂ ਦਾ ਓਵੇਂ। ਤਿੰਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਊ? ਪੰਜ। ਦੇਖੋ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੀ, ਇਹ ਆਊਗਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਪੰਜ ਓਵੇਂ ਦਾ ਓਵੇਂ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਤਿੰਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦੋ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਪੰਜ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਸੱਤ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਜੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸੱਤ, ਗੁਣਾ ਬਾਰਾਂ ਏਕਮ ਬਾਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਰਾਂ ਏਕਮ ਬਾਰਾਂ, ਦੋ ਛਿਕੇ ਬਾਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਬਾਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਲਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜੋੜ ਮਾਈਨਸ ਸੱਤ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ, ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਰਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ, ਇਹ ਓਵੇਂ ਦਾ ਓਵੇਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਖਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤਿੰਨ 'ਤੇ। ਐਕਸ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ, ਐਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ। ਐਕਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ।
आ संख उरे जिहड़ा भी निशान है दोस्तों बाहर आऊगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, कुछ भी सांझा नहीं निकलता एक आवे दौवे। तो इत्थे निशान बदलना है, आप गल की सी लास्ट टाइम निशान बदलना है। तो पिछे की बचा चार एक्स माइनस एक, तीन एक्स माइनस एक। आप होर उदाहरण लेके चलते हैं, एक उल्टी लेके चलना मैं थोड़ी जी उदाहरण, छे एक्स दे दो प्लस पांच एक्स माइनस छे। जो जोड़ चाहिए अपन दोस्तों प्लस पांच गुना छे कम छे के छत्ती, पर निशान का दे माइनस दा है ना। हुन छत्ती दे पहला गुणनखंड बनाने, एक दी छत्ती नाल गुना कितनी, दो अठारह छत्ती, तीन बारह छत्ती, चार नए छत्ती, छे कम छे के छत्ती, ठीक हो गया। आपां नूं उरे की चाहिए है माइनस दा, तां या तो सारिया छोटिया पहलिया माइनस दियां होणगियां या वड्डिया माइनस दियां होणगियां, सही है। एक गुना माइनस छत्ती, दो गुना माइनस अठारह, तीन गुना माइनस बारह, इहदे नाल तां कोई फर्क ही नहीं पैंदा क्योंकि दोनों एको नाल दियां। हुण इस तों बाद आपां नूं जिहड़ा जोड़ चाहिए दोस्तों वह किहड़ा चाहिए, प्लस पांच। प्लस कदों आंदा है, जदों वड्डी संख्या कादी होवे प्लस दी, तो अपने को इधर पई है, इहदा मतलब आ लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पैंदा। इन्हां नूं जोड़िया छत्ती चो एक घटाए पैंती, अठारह चो दो घटाए सोलह, बारह चो तीन घटाए नौ, नौ चो चार घटाए पांच, तो अपने को गुणनखंड की बन गए, छे एक्स दी दो माइनस चार एक्स प्लस नौ एक्स माइनस छे। ये दोनों किहड़े पहाड़ ते वंडे जांदे आ, दो ते, एक्स दो बार एक्स एक बार एक्स एक बार, दो दे किहड़े पहाड़ ते छे आ रहा है, तीन एक्स एक, दो दे किहड़े पहाड़ ते चार आ रहा, दो उरे प्लस। हुण नौ ते छे किहड़े पहाड़ ते वंडे ने दोस्तों, तीन ते, वेरी गुड। तीन दे किहड़े पहाड़ ते नौ आ रहा, तीओ तीओ नौ, एक्स ओवें दा ओवें। तीन दे किहड़े पहाड़ ते छे आ रहा, तीन दूना छे, तो इत्थों की सांझा आ गया देखो, तीन एक्स माइनस दो, दो एक्स प्लस तीन। तो यह हो गया अपने को एदा गुणनखंड, तीन एक्स माइनस दो, दो एक्स प्लस तीन। आप लास्ट उदाहरण हम गल करते हैं, एक होर उदाहरण से, तीन एक्स दी दो माइनस एक्स माइनस चार। इत्थे कोई भी संख्या नहीं हैगी, तो की हो गया एक, जोड़ कितना चाहिए माइनस एक, गुना माइनस बारह बनाइए, एक गुना बारह, दो गुना छे, तीन गुना चार, ये माइनस द दोस्तों, सारिया छोटिया माइनस दिया, इधर आप करती हैं सारिया वड्डिया संख्यावां माइनस दिया है ना। हुण जोड़ आपां माइनस वाली संख्या चाहिए है, तो यदा मतलब वड्डी संख्या माइनस की होगी, इधरले केस की आपां नूं कोई जरूरत नहीं, सीधा तुसीं कैंसल कर सकते हो। किहदा देखो हल करके माइनस एक आ रहा, इहदा, तो तीन एक्स दी दो प्लस तीन एक्स माइनस चार, तीन बार एक एक्स बार क्योंकि दो घाच है, पिछे एक्स बच गया, ये सारे का सारा बार माइनस, इतने माइनस भी आ गया, चार भी आ गया दोस्तों एक्स। सब तो वड्डी गल आ निशान बदलना है क्योंकि आप माइनस बार कढ़ी है, चार बार कुछ नहीं बचिया एक, तो पिछे की रह गया एक्स प्लस एक, तीन एक्स माइनस चार। तो ये आप जो गुणनखंड बनाए अपने को आ गया एक्स प्लस एक, तो तीन एक्स माइनस चार। तो दोस्तों यह सी दो घाती बहुपदां दा गुणनखंड, विचकारली रकम नूं सप्लिट करके तोड़ के उन्हों विभाजित करके दो घाती बहुपद का गुणनखंडीकरण। थैंक यू।